सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका इस DS4 के निर्माण में, बहुजन समाज पार्टी के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही है। और मैं ये कहूं कि ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी माननीय काशीराम जी के आंदोलन के बैकबोन थे, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी आज देश के कोने कोने में काम कर रहा है, एक बार पुनः उनके उनके कंधों में जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को मजबूत करें। और जो आपका अपना संतन है माननीय काशीराम जी का, उस आंदोलन को मजबूत करें, अपने लोगों को एजुकेट करें, उन लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करें, और वोट कहां देना है उनको ये भी समझाने का काम करें। और अगर मैं तो ये बात कहता हूं कि अगर भारत देश के प्रधानमंत्री जी की सीरीज को हम देखते हैं, तो पहली सीरीज में जो भी व्यवस्था इस भारत में बनाई गई थी जातिगत, उसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया था। सबसे पहले ब्राह्मण जाति के लोगों को इस देश के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उसके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे लोग जो क्षत्रिय समाज से थे, उनको प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उसके बाद देवगौड़ा जैसे लोग जो ओबीसी समाज को रिप्रेजेंट करते थे, उन लोगों को प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। माइनॉरिटी के रूप में सरदार मनमोहन सिंह को भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। अगर हम इस श्रेणी में भी आते हैं, तो इस बार नंबर बहुजन समाज के जो हमारी नायिका है बहन मायावती जी का बनता है। और मुझे लगता है कि हमारे समाज को दिल खोल करके इस पर उनको सहयोग करना चाहिए, इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, और 2019 के अंदर एक नई इमारत लिखना चाहिए, नया इतिहास लिखना चाहिए।